हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स। तो लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं जो कि आपको हैकिंग या फिर लिनक्स स्टार्ट करने से पहले आने चाहिए। तो लेट्स सी सम कमांड्स। तो सबसे पहला कमांड हम देखेंगे पासवर्ड चेंज करने के लिए। अगर मैं अपनी लिनक्स मशीन से लॉग आउट करता हूँ, फिर मैं लॉग आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे इसमें, लॉग आउट करने के बाद में ये मुझसे मेरा यूजर नेम पूछ रहा है, उसके बाद में पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम हो गया मेरे पास रूट एंड पासवर्ड। तो इस वाले पासवर्ड को चेंज करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो करते हैं PASSWD, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पासवर्ड। लेट मी, मैं अपना टर्मिनल स्टार्ट करता हूँ। लेट मी जूम दिस टर्मिनल। सो गाइज, नाउ आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी। अब मुझे अगर पासवर्ड चेंज करना है अपने टर्मिनल के थ्रू, तो मैं टाइप करूंगा PASSWD। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द न्यू पासवर्ड। अब गाइज, मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया अपना, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन की वजह से, काली लिनक्स की प्रोटेक्शन की वजह से, ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा। इट विल शो यू अ ब्लैंक स्क्रीन। नाउ इट इज अगेन आस्किंग द पासवर्ड, और नाउ हियर यू कैन सी पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये सिर्फ केवल प्रोटेक्शन की वजह से आपका पासवर्ड यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज जो भी आप टाइप कर रहे हो इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। तो गाइज, ये थी हमारे पास पहली कमांड। अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास में ls। ls कमांड यूज होती है हमारे पास में डायरेक्टरीज को लिस्ट करने के लिए। इस वक्त मैं अपने रूट फोल्डर में हूँ, तो मेरे रूट फोल्डर में मेरे पास फॉलोइंग डायरेक्टरीज है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, वेरियस डायरेक्टरीज। अब अगर मैं इन्हें लिस्ट की फॉर्म में देखना चाहता हूँ और इनसे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, मैंने ये म्यूजिक डायरेक्टरी कब क्रिएट करी थी, इस पे कौन कौन सी परमिशन है, रीड राइट एटसेट्रा, तो उसके लिए कमांड यूज होती है ls स्पेस दिस सब्ट्रैक्शन साइन और हाइफन एन एल। नाउ हियर यू कैन सी दैट इट इज प्रिंटेड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, डेट जिस दिन ये क्रिएट की गई थी डायरेक्टरी, और ये आपका जो रूट डायरेक्टरी के अंदर है ये सारी डायरेक्टरीज, और ये ब्लू कलर से जो आ रही है ये आपकी डायरेक्टरीज है। अगर ये व्हाइट कलर से या किसी और कलर से आती है, देन इट इज अ डिफरेंट फाइल, उसका एक्सटेंशन डिफरेंट होगा। अगर मुझे हिडन डायरेक्टरीज चेक करनी है, हिडन डायरेक्टरीज या फाइल चेक करनी है, तो उसके लिए कमांड होता है हमारे पास में ls स्पेस देन हाइफन एंड देन a। नाउ हियर यू कैन सी ये जितनी भी ब्लू कलर की है मेरे पास, ये सारी मेरे पास में फोल्डर्स हैं और डायरेक्टरीज हैं, और ये मेरे पास जितनी भी व्हाइट कलर से हैं ये मेरे पास में डिफरेंट एक्सटेंशन है, दैट इज .pid। ये सारी मेरे पास में फाइल्स हैं। तो ये मेरे पास जितनी भी फाइल्स लिस्ट हुई हैं व्हाइट कलर में, ये सब हिडन थी, और सम ब्लू कलर्स ऑल्सो लाइक दिस, दीज वर हिडन, नॉट शोन इन दिस। तो हिडन को देखने के लिए हम करते हैं ls स्पेस हाइफन a। सो दीज वर द कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास में क्लियर। अब ये मेरा टर्मिनल फिलअप हो गया है। ऑल्दो मैं इसके नीचे कितनी भी कमांड्स टाइप कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आई शुड क्लियर ऑल द स्क्रीन, तो उसके लिए कमांड होता है क्लियर। क्लियर प्रेस करके एज सून एज आई विल प्रेस एंटर, नाउ हियर यू कैन सी मेरी पूरी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। अब गाइज, हम नेक्स्ट कमांड यूज करते हैं डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे हम कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। सो उसके लिए कमांड होती है PWD, दैट इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नाउ हियर यू कैन सी दैट इट इज शोइंग माई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एज रूट। अब मैं चाहता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पर वर्क करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। मेरे पास एक है डेस्कटॉप, अब मैं अपने डेस्कटॉप पर स्विच करना चाहता हूँ, तो वॉट आई विल डू इज cd स्पेस एंड डेस्कटॉप। नाउ गाइज, इसमें एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, दैट जितनी भी हम कमांड्स टाइप कर रहे हैं ये सब केस सेंसिटिव है। cd मैंने अगर स्मॉल में टाइप करा है, देन इट वुड बी स्मॉल। अगर मैं इसे कैपिटल में टाइप कर दूंगा, देन इट वुड शो अ एरर। सिमिलरली अगर मेरे पास डेस्कटॉप है, तो इसमें जितने भी लेटर्स कैपिटल हैं दे वुड बी कैपिटल, और जितने भी स्मॉल हैं वो स्मॉल, यानी कि ये हमारे पास में केस सेंसिटिव होता है। सो नाउ हियर यू कैन सी, अब हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप पर अपने। PWD प्रेस करूंगा, नाउ हियर यू कैन सी अ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो चुकी है हमारे पास में रूट डेस्कटॉप। अब गाइज, मैं चाहता हूँ मैं फिर से रूट में चले जाऊँ, तो उसके लिए कमांड होता है cd स्पेस एंड 2 टाइम्स फुल स्टॉप।
तो अब मैं देखो यहाँ से डेस्कटॉप हट चुका है, यानी कि मैं अपनी फिर से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करूंगा। नाउ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज रूट। तो इस तरीके से हम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, किसी भी दूसरी डायरेक्टरी में स्विच कर सकते हैं। नाउ गाइज नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास में सब डायरेक्टरी बनाने के लिए, दैट इज मेक डायरेक्टरी। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MKDIR। अब सपोज सबसे पहले मैं स्विच करता हूँ अपने म्यूजिक में, तो CD म्यूजिक। सो नाउ वी आर इन द म्यूजिक, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज म्यूजिक। अब म्यूजिक में आने के बाद में मैं इसके अंदर देखता हूँ मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर। सो सिंपली आई विल प्रेस LS। अब अगर आपके पास में कोई भी आउटपुट नहीं आता है, इसका मतलब आपका म्यूजिक फोल्डर एम्प्टी है। तो अब क्या करना है हमें, इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है। सो MKDIR एंड लेट मी क्रिएट अ डायरेक्टरी पॉप। नाउ इफ यू विल अगेन डू LS, नाउ हियर यू कैन सी दैट हमारे पास में एक डायरेक्टरी बन चुकी है इसके अंदर पॉप। और गाइस सपोज मैं चाहता हूँ इस डायरेक्टरी को रिमूव कर दूं अगेन, सो व्हाट आई विल डू इज RMDIR पॉप। नाउ अगेन इफ वी विल डू LS, नाउ हियर यू कैन सी अगेन मेरे पास में म्यूजिक हो चुका है ब्लैंक। इसका मतलब हम डिलीट करने के लिए यूज करते हैं RMDIR, दैट इज रिमूव डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज करते हैं MKDIR। अब गाइज नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास में कि हमें सपोज मेरे पास में कोई भी फाइल है, टेक्स्ट फाइल सपोज है मेरे पास में कोई भी, मैं उसे प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने टर्मिनल पर, तो उसके लिए क्या कमांड होगी। सो लेट मी स्विच टू डेस्कटॉप। गाइज इसमें एक और चीज, लाइक मैंने अपना टाइप कर दिया DES, उसके बाद में मैं टैब प्रेस कर दूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देता है उसको। तो अब हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, हम डेस्कटॉप पर देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स है हमारे पास में। मेरे पास में अब एक फाइल है demo.txt। अब मैं इसके अंदर जितना भी कंटेंट है मैं उसे प्रिंट कराना चाहता हूँ अपनी टर्मिनल स्क्रीन पर। सो वॉट वी विल डू, कैट demo.txt। नाउ हियर यू कैन सी दैट मेरे पास में जो demo.txt फाइल है उसके अंदर मेरे पास में ये कंटेंट था और ये मेरे पास में प्रिंट हो चुका है। अब चाहता हूँ मैं कि अपनी इस demo.txt को मैं डायरेक्टली टर्मिनल से ही एडिट कर दूँ। सपोज मुझे इसमें एक लाइन और ऐड करनी है, तो गाइज उसके लिए कमांड होता है nano, दैट इज nano demo.txt, और इसमें एक्सटेंशन मस्ट है, एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा। नाउ हियर यू कैन सी ये मेरे पास में एडिटर खुल गया है, GNU एडिटर। अब मैं यहाँ पे अपना टाइप कर सकता हूँ लाइक हेलो दिस ट्यूटोरियल इज फॉर द लिनक्स कमांड्स। अब इसे सेव करने के लिए प्रेस करना है हमें Ctrl+X, उसके बाद में Y, एंड देन वी हैव टू सिंपली प्रेस एंटर। एज हियर यू कैन सी फाइल नेम टू राइट demo.txt एंड प्रेस एंटर। अब गाइज हम दोबारा से अपनी फाइल को प्रिंट करा के देखते हैं क्या उसमें चेंजेस अप्लाई हुए या नहीं। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास में चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं, हेलो दिस ट्यूटोरियल इज फॉर लिनक्स कमांड। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, और उसमें एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो कमांड। और गाइज हमारे पास में नेक्स्ट कमांड आती है कि सपोज मेरे पास में कोई फोल्डर है, सपोज मैं मान लेता हूँ मेरे पास में फोल्डर है म्यूजिक। अब मुझे नहीं पता वो म्यूजिक मेरे पास में फोल्डर कहाँ पर सेव है, तो उसके लिए मेरे को उसकी लोकेशन चाहिए। तो उस लोकेशन को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं लोकेट कमांड। लोकेट कमांड से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अपना एक अपडेट DB कमांड रन करते हैं। ये होता है अपडेट डेटाबेस, तो जो भी आपकी लोकल जितनी भी फाइल सेव होंगी उनकी लोकेशन एक बार अपडेट हो जाती है, अदरवाइज इट कुड गिव यू अ लॉन्ग रॉन्ग लोकेशन। तो अपडेट DB, तो मेरी यहाँ पे अपडेट हो चुका है डेटाबेस। अब मैं इसके बाद में मेरे को सपोज अपनी म्यूजिक डायरेक्टरी देखनी है। नाउ हियर यू कैन सी इसने मेरे को एड्रेस बता दिया है कि आपकी रूट के अंदर म्यूजिक नाम की डायरेक्टरी है। सिमिलरली अगर हम कोई और भी डायरेक्टरी देखना चाहते हैं लाइक लोकेट डाउनलोड्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई मेरे पास में डाउनलोड्स की, इसलिए इसने। नाउ हियर यू कैन अगेन सी इसने बता दिया कि रूट के अंदर आपके पास में डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है। अब गाइस नेक्स्ट कमांड आती है, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अब गाइस हमारे पास में नेक्स्ट कमांड आती है कि सपोज मैं देखना चाहता हूँ मेरा काली लिनक्स का वर्जन कौन सा है, तो उसके लिए कमांड होती है यू नेम एंड प्रेस स्पेस -a।
तो यहाँ पे मेरे पास में मेरी काली लिनक्स का जो है वर्जन आ चुका है, दैट इज 2019 3.18 4.1.9.0। तो इस कमांड से हम अपनी काली लिनक्स का वर्जन देख सकते हैं। अब गाइज नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास में कि अगर सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ ls, अब मेरे को नहीं पता इसका इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसको हमें देखने के लिए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए बेसिकली हम एक स्पेस देंगे एंड वी विल टाइप हेल्प। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास में इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है, लाइक हियर यू कैन सी यहाँ पे ये बता रहा है दैट slash a डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद फुल स्टॉप। नाउ हियर यू कैन सी कैपिटल ए का मतलब होता है लाइक हमने टाइप किया था ls स्पेस l, तो उसका मतलब था हमारे पास में उसकी सारी डिटेल्स आ गई थी। तो हियर यू कैन सी ये रहा हमारे पास में स्मॉल l, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करके आप किस तरीके का कमांड्स को रन करा सकते हो। सिमिलरली अगर मैं अपने उसके ls के बाद में कैपिटल u कर देता हूँ तो ये आपकी शॉर्टेड फाइल नहीं देगा, लिस्ट एंट्रीज इन डायरेक्टरी ऑर्डर। लाइक अगर हम टाइप करते हैं ls l, तो यहाँ पे हमारे पास में डिटेल्ड आ गया है उसके बाद में। और एक और चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये हमारे पास में जितनी भी है ये सब शॉर्टेड है, लाइक पहले d की है, फिर m, देन p, देन t, देन v। अगर हम चाहते हैं हम अनशॉर्टेड ऑर्डर में करना चाहते हैं lsu, तो ये आपके पास में अनशॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है। हियर यू कैन सी p पहले आ रहा है फिर बाद में d आ रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर रीड कर सकते हो इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प। और ये ऐसा नहीं है केवल ls के साथ में आता हो, आप जो भी कमांड की डॉक्यूमेंटेशन रीड करना चाहते हो उसके बाद में स्पेस देके सिंपली आपको हेल्प टाइप करना है एंड यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन। लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड शो यू अ डेमो। लाइक सपोज मेरे पास में कोई कमांड है pwd, मेरे को इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है, तो सिंपली pwd स्पेस हेल्प। तो यहाँ पे आपके पास में सारे ऑप्शंस आ गए कि आप क्या क्या कर सकते हो और इसका यूज भी आ गया, लाइक प्रिंट द नेम ऑफ द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इस तरीके से आप किसी भी कमांड के बारे में जान सकते हो। अब पहला मेथड था हमारे पास में दिस हेल्प विद द हेल्प दिस कीवर्ड। नेक्स्ट होता है हमारे पास में मैन, मैन की स्टेन फुल फॉर्म होती है मैनुअल, तो एम एन मैन पी डी। नाउ हियर यू कैन सी इसका नाम आ गया प्रिंट द नेम करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दिस इज द सिनोप्सिस। सिनोप्सिस मीन्स आपका सिंटेक्स जो भी है, दैट पी डब्ल्यू डी टाइप करना, उसके बाद में आप ऑप्शंस को टाइप कर सकते हो, लाइक कैपिटल एल यूज द पी डब्ल्यू डी इन्वायरमेंट एंड दिस कैपिटल पी अवॉइड ऑल सिम्लिंक्स। तो ये आपके पास में इस तरीके से आप रीड कर सकते हो कम्प्लीटली इसका ऑथर कौन था, रिपोर्टिंग वर्क्स, अगर आपको कोई भी इसमें बग फाउंड किया है तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, कॉपीराइट इशूज, मतलब आप सब कुछ। एंड फॉर गेटिंग बैक अगेन टू आर टर्मिनल यू हैव टू प्रेस क्यू। तो हम फिर से टर्मिनल पे आ चुके हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, अब अगली वीडियो में हम कुछ और कमांड्स देखेंगे, तो उस वीडियो के लिए तैयार रहें। और इसके कमांड्स को अगर आपको कोई एरर आती है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।